भारत में तेजी से फैल रहा कोविड-19 का एक वेरिएंट बेहद संक्रामक है। ये वेरिएंट शरीर में वैक्सीन को चकमा देकर देश में महामारी के विस्फोट का कारण बन सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की चीफ साइंटिस्ट स्वामीनाथन ने AFP को दिए इंटरव्यू में इसकी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि भारत में आज हम महामारी के जिन पहलुओं को देखते हैं वो संकेत दे रहे हैं ये बड़ी तेजी से फैलने वाला वेरिएंट है। कई विशेषज्ञों का संदेह है कि इस दौरान हुई आधिकारिक मौतें और मामले कम करके बताए गए हैं, इनकी संख्या ज्यादा भी हो सकती है। क्लिनिकल साइंटिस्ट स्वामीनाथन कहती हैं कि पिछले साल अक्टूबर से पहली बार भारत में डिटेक्ट हुआ कोविड-19 का B.1.617 वेरिएंट स्पष्ट रूप से भारत में तबाही का प्रमुख कारक था। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि ये भारत में फैल रहे वेरिएंट में सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट हो सकता है। WHO ने इसे हाल ही में वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में लिस्टेड किया है, जो वायरस की कई प्रजातियों, विभिन्न प्रकार के म्यूटेशन और उनकी विशेषताओं को गिनाता है। स्वामीनाथन ने कहा है कि ये संकेत है कि ये वेरिएंट अपने मूल रूप से कहीं ज्यादा जानलेवा और संक्रामक है, यहाँ तक कि ये वेरिएंट शरीर में वैक्सीन प्रोटेक्शन को भी चकमा दे सकता है। अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई नेशनल हेल्थ अथॉरिटीज ने B.1.617 वेरिएंट को लेकर चिंता जाहिर की है। स्वामीनाथन को उम्मीद है कि WHO जल्द ही इस पर काम करेगा। उन्होंने कहा कि B.1.617 वेरिएंट चिंताजनक हो सकता है क्योंकि इसमें कुछ म्यूटेशन ऐसे हैं जो ट्रांसमिशन को बढ़ाते हैं, वैक्सीन या नेचुरल इन्फेक्शन से उत्पन्न होने वाले एंटीबॉडीज को बनने से रोकते हैं। हालांकि स्वामीनाथन ने यह भी कहा कि भारत में तेजी से बढ़ते मामलों और मौतों के लिए अकेले इस वेरिएंट को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होने से ही यहाँ हालात बदतर हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य राजनेताओं द्वारा आयोजित बड़े पैमाने पर चुनावी रैलियों की संक्रमण की रफ्तार के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। स्वामीनाथन ने कहा कि भारत में लगातार बढ़ रहे मामले और मौतों में स्थिति न सिर्फ भयावह है बल्कि इन्फेक्शन नंबर बढ़ने से भी खतरनाक वेरिएंट के उभरने की संभावना बढ़ी है। वायरस जितना ज्यादा अपनी संख्या बढ़ाएगा संक्रमण फैलेगा, म्यूटेशन के खतरे की संभावना भी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। कोरोना वैक्सीन और लॉकडाउन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।